हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी करेले की एक अनोखी सब्जी जिसका नाम करेले की लौंजी है। इसको गुड़ के साथ बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको लाइक भी करें। अब बताते हैं झटपट से इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर हरे करेले लिए हैं, इनको अच्छे से छील कर काट लिया है। अगर करेले कच्चे हैं तो इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बीज को रिमूव करें। पैन में मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच कलौंजी के दाने डाल दिए हैं। तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई दो मीडियम साइज प्याज। इनको हमें स्लाइस्ड करना है, चॉप नहीं करना है महीन महीन। बस अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाती है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करेला। अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले का मसाला जो कि मैंने बना के स्टोर करके रखा हुआ है। ये करीब 6-7 महीने से मैंने बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो आप भी इसे घर में बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगी, साथ ही ऊपर आई बटन पे भी ये शो कर रहा है। तो करेले के मसाले के मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच भर करके इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ऐड करेंगे नमक। नमक हमने ऑलरेडी प्याज में भी डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये करीब 100 ग्राम गुड़ है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आसान होता है। अगर जिन्हें नहीं पता है तो मैं उनकी हेल्प के लिए बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, बस उसको टच करिए, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहेंगे। देखिए गुड़ पिघल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें, इसको स्किप ना करें। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि डिश अच्छी नहीं बनी। लेकिन अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाता है तो डिश तो अच्छा बन ही नहीं सकती। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज वॉच फुल वीडियो। अब हम इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। करीब 10-15 मिनट मैंने इसे सिम गैस पर इसी तरह पकने दिया था। ये देखिए इसका रंग एकदम चेंज हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। हमें बस बेसिकली देखना है कि ये जो सारा मिक्सचर है, जो भी हमने मसाला डाला है, वो करेले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि करेला पूरी तरीके से तो नहीं गलता है, थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस रहती है। अभी ये अच्छे से पका नहीं है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसको ढक करके पकने के लिए और 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये अब बिल्कुल बनकर तैयार है। इसके अंदर हमने जो भी मसाला डाला था और गुड़ डाला था, वो करेले में अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। तो करेले की मीठी सब्जी ये लौंजी बनकर तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो करेले की कड़वाहट को दूर करते हुए उसकी एक मीठी सी रेसिपी बनकर तैयार है। आई होप आपको ये छोटी सी रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। घर में एक बार जरूर ट्राई करें, साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। Thank you and bye-bye.